You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल के नए एक और वीडियो में। और गाइस, ये एक वीडियो होने वाली है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और बहुत दिनों के बाद गाइस, मैं एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। गाइस, मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझा देता हूँ। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, खास करके नए प्लेयर्स के लिए और साथ ही साथ पुराने प्लेयर्स के लिए भी। तो गाइस, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो। और चैनल के ऊपर नए हो तो गाइस, चैनल को नीचे से सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना, और छोटा सा बिल बन गया गाइस उसको भी प्रेस कर देना, फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही यार वीडियोज़ पाने के लिए गाइस। और गाइस, यहाँ पे बता दूँ इस सीरीज़ में क्या है। गाइस, इस सीरीज़ में है गाइस फ्री फायर से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे घर्स है, पॉपुलर जो हाउसेस है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गाइस ये वाला वीडियो है यहाँ पे डबल डोर के ऊपर, और भी काफ़ी सारे घर्स है। जैसे कि यहाँ पे एलसेफ हो गया जिस पे मैं अभी बैठा हूँ, और भी जैसे कि हवा महल हो गया, यहाँ पे ब्रोकन हाउस हो गया, यहाँ पे बहुत भी सारे मतलब बहुत सारे घर आते हैं गाइस सीमेंटेड, बहुत सारी यहाँ पे पॉपुलर सी घर आती है गाइस। तो उसी घर के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे आप उस घर के अंदर प्रो बन सकते हो गाइस, मतलब बहुत सारी न्यू जानकारी लेके घर के अंदर घुस सकते हो। घर के अंदर घुसने से पहले आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए, और घर के अंदर कैंपिंग करने से पहले आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए, जो कि नए प्लेयर्स के पास तो खास करके नहीं होती है, और जिनके पास होती है वो तो बताता नहीं है गाइस। सब कुछ के ऊपर हम लोग बात करेंगे गाइस। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितना मैंने आपको बताया गाइस, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। तो चलो गाइस, सीधा वीडियो के अंदर जाम करते हैं। सो फिलहाल गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पीक के घर पे। पीक का जो डबल डोर है एकदम पीक के बीच पे आता है गाइस उस पे। अब गाइस, इसमें हम लोग लगाएंगे लैंड माइन। तो गाइस, लैंड माइन कहाँ पे लगाता है ये हम लोग जानेंगे। तो नॉर्मल से सभी प्लेयर्स, हो सकता है आप भी ऐसे ही लैंड माइन लगाते हो एकदम स्टार्टिंग पे, मतलब मुँह के मतलब उठते ही जैसे कि लैंड माइन लगाते हो। तो गाइस, क्या ये सच में लैंड माइन लगाने का सही जगह है? तो बिल्कुल नहीं गाइस। जो अच्छे बंदे हैं वो आराम से देख लेगा आपका लैंड माइन। तो कभी भी ऐसी जगह पे लैंड माइन मत लगाया करो डबल डोर के अंदर। मैं हर एक चीज़ डबल डोर के अंदर बात करो। अभी गाइस, जो पोजीशन पे हम लोगों ने लैंड माइन लगाया वो है बेस्ट पोजीशन लैंड माइन लगाने का इन डबल डोर पे। इससे क्या होता है गाइस, इससे कोई भी बंदा अगर घुसेगा इसके घर के अंदर तो उसको पता भी नहीं चलेगा। जब वो सीढ़ी से ऊपर आएगा उसको दिखेगा नहीं, वो जैसे ही घर के अंदर पुश करेगा तभी उसको दिख जाएगा। तो गाइस, ये है बेस्ट पोजीशन लैंड माइन लगाने का। मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया गाइस लैंड माइन लगाने का बेस्ट पोजीशन कौन सा है डबल डोर के अंदर। तो ये था पहला टिप्स। और लैंडमाइन यार बहुत सारी गेम के अंदर मतलब गेम चेंज कर देता है गाइस, किसी भी प्लेयर को अचानक से मारने में या लैंडमाइन बहुत काम आता है। तो आपको भी यार इस टिप छोटी सी टिप्स है गाइस, इसको ध्यान से याद रखना। नए प्लेयर्स को तो यार कतई पता नहीं होगा ये चीज़, लेकिन आपको शायद पता चल गई वीडियो से। तो जो है यहाँ पे लैंडमाइन लगाने का बेस्ट जगह जो है डबल डोर के अंदर कहाँ पे है मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो गाइस, नेक्स्ट टिप के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, पहला टिप्स तो हो गया लैंडमाइन लगाने का। अब गाइस, दूसरा टिप है लैंडमाइन है लगाया हुआ है पहले से ये जानने का। तो सीढ़ी से उठोगे तो गाइस लैंडमाइन से मार जाओगे, ये कोई भी दिक्कत मतलब नॉर्मल सी बात है। आप जैसे ही सीढ़ी से ऊपर आओगे अगर लैंडमाइन लगाए तो आप आराम से मर जाओगे लैंडमाइन पे, आपको पता तक नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लैंडमाइन लगाने का जगह, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस, अब मैं आपको सही जगह दिखा देता हूँ जहाँ से आपको पता चल जाएगा डबल डोर के अंदर लैंडमाइन लगा है ऊपर या नहीं। तो चलो गाइस, पहले बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर अंदर आते हैं। तो नॉर्मली गाइस, हम लोग अभी मान लो कि डबल डोर के अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसको मारने के लिए, और बंदे ने लैंडमाइन लगाया। कैसे पता चलेगा? सिंपली आपको इससे नीचे चले जाना है। देख लिया गाइस, आप लोगों को सीढ़ी के नीचे चले जाना है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, बहुत से सिंपल है। मैं एक और आपको लैंडमाइन लगा के दिखा देता हूँ। तो पहला आपको लैंडमाइन लगा लिया हम लोगों ने। अब मान लो घर के अंदर लैंडमाइन लग चुका है, अब आपको क्या करना है? मान लो आप घर के अंदर पुश करोगे तो आपको पहले जो चीज़ करना है किसी भी घर डबल डोर के अंदर पुश करने से पहले, ये हर एक डबल डोर के अंदर अप्लाई होता है गाइस। तो आपको इसी भी डबल डोर के अंदर पुश करने से पहले पहले यहाँ पे नीचे जाना है सीढ़ी के नीचे, और सीढ़ी के नीचे जाके थोड़ा एक जंप करो, जंप नहीं करो तो भी चलेगा, सिंपली आप नीचे जाके खड़े हो जाओ, लैंडमाइन फूट जाएगा। तो लैंडमाइन यहाँ पे हो गया डिफ्यूज़।
तो कोई भी लैंडमाइन लगाएगा आपको मार नहीं पाएगा। तो बंदा भी सोचेगा कि नहीं, बंदा इसके पास दिमाग है, ये जानकारी लेके आया, मतलब इसके पास जानकारी है लैंडमाइन कैसे डिफ्यूज करते हैं डबल डोर के अंदर। तो ये था दूसरा टिप गाइस। पहला टिप था सही जगह लैंडमाइन लगाने का, दूसरा था लैंडमाइन फोड़ने का सही टिप्स विदाउट एनी डैमेज। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है गाइस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। दूसरे तीसरे हो गए, अभी गाइस तीसरे टिप्स के ऊपर चलते हैं कि आप यहाँ पे डबल डोर के अंदर छुपोगे कैसे, ठीक है ना, मैं आपको उसी के ऊपर बात करूँगा। चलो गाइस, सो गाइस यहाँ पे डबल डोर के अंदर बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, बॉक्सेस के ऊपर छुप जाते हैं, बॉक्सेस के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन बाहर से बॉक्सेस के ऊपर बैठा हुआ इंसान दिखता है, ठीक है ना। तो जो बंदे के पास जानकारी है वो आराम से आपको मार देगा बाहर से ही, उसको अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो बाहर से ही आपको मार देगा। तो सही जगह कौन सा है बैठने का वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो सही जगह गाइस यहाँ पे बैठने का ये है पोजीशन है, ठीक है ना, ये बॉक्सेस के पीछे। सो गाइस इससे क्या होता है, कोई भी प्लेयर अगर घर के अंदर पुश कर रहा है, डबल डोर के अंदर पुश कर रहा है किसी को मारने के लिए, उसको आपका फुटस्टेप तो सुनने को मिल जाएगा, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा आप कहाँ पे हो। ये पोजीशन ऐसा है, बेस्ट पोजीशन है गाइस, आप इसके पीछे छुपे रहोगे, जैसे ही कोई प्लेयर आएगा आपको अचानक से जम के बटन के ऊपर दबाना है। जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा, जम के बटन के ऊपर दबाओ, फिर फायर का बटन को प्रेस कर दो, एक साथ ही पूरा का पूरा एमो जो है पूरा का पूरा मैगजीन खत्म कर दो, बंदा खत्म। ये है बेस्ट पोजीशन गाइस डबल डोर के अंदर कैंपिंग करने के लिए, बेस्ट पोजीशन मतलब कौन सी बेस्ट पोजीशन पर आपको बैठे रहना चाहिए। तो गाइस कभी भी ऊपर मत बैठना। अब गाइस यहाँ पे मान लो तीसरे टिप्स के ऊपर हो गए, आगे भाई चौथे टिप के ऊपर चलते हैं गाइस। चौथा टिप है गाइस यहाँ पे M79 का, बहुत सारे प्लेयर अगर क्या करते हैं यहाँ पे, पहले आप ग्लूअल का पोजीशन देख लो, ठीक है ना। ग्लूअल का पोजीशन हमने देख लिया, बॉक्सेस के ऊपर आपको लगाना है, ध्यान से देख लिया गाइस आप लोगों ने। तो इससे क्या होता है गाइस, इससे यह होता है कि कोई भी प्लेयर के पास अगर M79 मतलब जो यहाँ पे आप लोगों के पास लॉन्चर आता है ग्रेनेड लॉन्चर वो है, तो वो बंदा चाहेगा कि कोई बंदा अगर जो उसके अंदर बैठा है डबल डोर के अंदर, वो जाके एक सीधा सीधा M79 चला देगा, सारे के सारे बंदे एक साथ ख़त्म। तो उसको अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको उसी जगह पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ग्लूआ लगा के, आपको अगर लग रहा है कोई बंदा पुश कर रहा है, आपको अगर लग रहा है कि उसके पास हो सकता है M79 हो मतलब ग्रेनेड लॉन्चर हो, तो आपको सिंपली उसी बॉक्सेस के ऊपर जैसे मैंने आपको ग्लूआ लगा के दिखाया था, आपको उसी तरीके से ग्लूआ लगा लेना है, ठीक है ना। तो गाइस ये था फोर्थ नंबर टिप। तो गाइस बहुत सारी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, आप लोग खुद समझ रहे हो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब गाइस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पोचिनॉक का एक डबल डोर आता है गाइस, वो थोड़ा अलग टाइप का डबल डोर है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा अलग चीज़ें हैं जो कि बेसिक से चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। मतलब उस पर क्या है गाइस, उसको आप बाकी सारे घर से उस घर के अंदर कौन बैठा है देख सकते हो, तो आप उसके पे उससे भी बच सकते हो। उससे कैसे बच सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो ये वाला जो डबल डोर है, इसी डबल डोर की बात कर रहे थे हम, तो इस वाले डबल डोर से क्या होता है गाइस, इस वाले डबल डोर पे अगर कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है ना, कोई भी बंदा अगर बैठा है बॉक्सेस के पीछे हो, तो वो जो है दिख जाता है, पीछे वाले घर से दिख जाता है। तो कैसे आप उससे बच सकते हो, मतलब आप बैठे भी रहोगे, आप कैंपिंग करोगे, लेकिन पीछे कोई आपको दिख नहीं पाएगा। इसके लिए गाइस पीछे से कौन से वाले घर से आपको देख सकते हैं गाइस, ये वाले घर से, ये देखो गाइस पीछे जो जगह आपको दिख रही है ये वाला जगह है गाइस, इस जगह से बंदे जो है दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इससे आप कैसे बच सकते हो, तो गाइस वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आप ग्रेनेड से कैसे मार सकते हो डबल डोर वाले अंदर बैठे हुए बंदे को। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, डबल डोर के अंदर बैठे हुए लॉन्चर एम करके रखते एकदम दरवाजे पे, जैसे ही कोई ऊपर आएगा उसको मार देंगे। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ग्लूआ लगा देना है वॉल पे, इससे क्या होगा कि वो बंदे जो लॉन्चर मारेगा वो मार ही नहीं पाएगा। पहली बात तो चौक जाएगा, ऐसा कोई बंदा अगर आते हुए ग्लूआ लगा रहे वॉल पे सबसे पहले तो चौक जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ग्रेनेड निकाल लेना है हाथ पे, अगर आपके पास ग्रेनेड है, बहुत सारा ग्रेनेड है तो बहुत अच्छी बात है, चारों तरफ एम करके ग्रेनेड फेंक दो, ऊपर से चारों तरफ एम करके ग्रेनेड फेंक दो। वो बंदा किसी भी लेवल की प्रो हो, किसी भी लेवल की प्रो बंदा हो, वो उससे बच नहीं सकता है। अगर आपने ये ट्रिक यूज़ किया ग्रेनेड फेंकने का, तो कोई भी प्रो लेवल का बंदा होगा इस वो बच नहीं सकता, और बहुत सारे प्रो लेवल के प्लेयर्स को भी शायद ये चीज़ पता नहीं है। तो गाइस ये वीडियो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से भरी हुई है, आपको बहुत पता चल गया होगा गाइस। तो गाइस इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे पॉसिबल गाइस देख सकते हो। और गाइस ऐसे आने वाली और भी सीरीज आपको मिलेगा और भी घर के ऊपर, ये तो सिर्फ डबल डोर था गाइस, और भी बहुत सारे घर के ऊपर आपको मिलेगा, और वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है बॉस, अभी बाकी है। तो जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पे कि वो वाले डबल डोर पोचिनॉक वाले डबल डोर को जो बंदा बैठा है उसको दिख जाता है, मतलब उससे उसको जो है बाहर से दिख जाता है,
मतलब बाकी घर से डबल डोर वाले घर के अंदर कौन बैठा है दिखता है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हो उसके ऊपर गाइस हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो गाइस दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस उसके पीछे के जो बिल्डिंग्स है, उसके पीछे का जो घर है, उस घर से जो है उस वाले पोचिनोग वाले डबल डोर की बात करूँ जिसपे अभी तक हम लोगों ने थे, उस वाले डबल डोर का जो है अंदर दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से जूम करके आप उसको देखोगे तो आराम से आप उसके अंदर बैठे हुए बंदे को देख सकते हो, तो आप कैसे उससे भी बच सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो इस वाले खिड़की के आपको अगर आ जाते हो गाइज यहाँ पर आपको टेबल मिल जाता है, उसके ऊपर बैठो और थोड़ा खिसकते हुए आप एकदम खिड़की के पास आओ, आपको उधर बैठा हुआ बंदा दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो गाइज ये ट्रिक की मदद से आप डबल डोर के अंदर बैठे हुए बंदे को आराम से हेडशॉट दे सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा गोली कहाँ से पड़ रही है। तो देख सकते हो गाइज कमाल का एक ट्रिक है गाइज, कमाल का टिप्स है ये, बहुत सारे प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं जो बहुत दिन से खेल रहे हैं, प्रो मतलब बहुत दिन से खेल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे उसके बचने का एक ही तरीका है, उससे बचने का आपको मैंने जैसा जगह दिखाया था जहाँ पे बैठने के लिए मैंने आपको दिखाया था, आप उसी जगह पे बैठो, बॉक्सेस के पीछे मत बैठो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था। आपको जो है जहाँ पे बैठना है वो बेस्ट पोजिशन आपके लिए है गाइस, वो जो बॉक्सेस का साम फास्ट बॉक्सेस का पीछे गाइस, यहाँ पर बैठोगे तो आपको दिख जाएगा पीछे से वो आपको हेड ले देगा। ये जगह पर अगर आप बैठते हो तो कोई भी चांस नहीं है, वो आपको नहीं मार पाएगा गाइस। ये पोचिनोग वाला जो डबल डोर है ये एक स्पेशल डबल डोर है, क्योंकि गाइस मैंने आपको रीज़न बता दिया, इस डबल डोर से बाकी घर दिखता है, लेकिन गाइस इससे इस टेक्निक से मदद से आप बाकी घर से जो है बच सकते हो, बाकी घर के अगर कोई प्लेयर है वो आपको मार भी नहीं पाएगा। तो गाइस देख सकते हो कितने सारे टिप्स मैंने आपको दिया दे दिए। अब गाइस लास्ट टिप्स बचती है जो आपको मैं देना चाहूँगा डबल डोर के ऊपर, तो गाइस चलो उसके ऊपर जान लेते हैं। गाइस बहुत सारे दिन से आपको पता होगा बहुत सारे लोगों की डबल पोचिनोग वाले जो डबल डोर है जिसकी अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, पोचिनोग वाला डबल डोर जिसके नीचे एक छोटा वाला घर आता है उसके ऊपर उठा जा सकता था गाड़ी के ऊपर ग्लूआ लगा के या फिर मोन्स्टर ट्रक के ऊपर ग्लूआ लगा के, लेकिन अभी फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोन्स्टर ट्रक के अगर आप गाड़ी के ऊपर ग्लूआ लगाओगे तो लगेगा नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस अब जो लास्ट टिप व्यवस्था हुआ है उतरने का, तो गाइस इस वाले डबल डोर से आप ऐसे उतर सकते हो बहुत ही आराम से, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये बहुत सारे प्लेयर को पता है लेकिन नए प्लेयर को पता नहीं होता है। तो जब बना रहा हूँ यार वीडियो सभी के लिए, तो नए हो या पुराने सबके लिए यार वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस ये था लास्ट टिप्स जो कि बहुत कॉमन है कि आपको अगर उतरना है पोचिनोग वाले डबल डोर से तो आप ऐसे आराम से उतर सकते हो यार खिड़की से छोटे वाले घर के ऊपर छलांग लगा के उससे जो है आप सामने एकदम आराम से गिर सकते हो, इससे कोई भी डैमेज आपका नहीं होगा। तो गाइस ये था कुल मिला के 6-7 टिप्स जो कि आपको डबल डोर एक्सपर्ट बनने में बहुत मदद करेगा। एंड गाइस इस वीडियो से शायद आपको कुछ मदद मिला होगा, कुछ हेल्प मिला होगा, तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप, मैं जानता हूँ गाइस आप लोग वीडियो को शेयर करोगे ताकि सभी प्लेयर के पास एक कॉमन सी जानकारी एंड कुछ स्पेशल जानकारी हो जो कि उनको भी इन फ्यूचर बहुत मदद करे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो बहुत लंबी है लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी गाइस, तो वीडियो लंबी हो गई, तो वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।